students, so now today's lecture is all about the discrete probability distribution. Now see, in the previous lectures what we discussed about was, we discussed about a random experiment. जब आप कोई भी randomly कोई experiment perform करते हैं तो it leads to the sample space, और सैम्पल स्पेस के कॉन्सेप्ट से ही, कि आपका सैम्पल स्पेस का नेचर कैसा है, न्यूमेरिकल है नॉन न्यूमेरिकल है, उसके नेचर से ही वी इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ द रैंडम वेरिएबल. एंड देन हमने फिर डिस्कस किया था कि रैंडम वेरिएबल का नेचर कैसा होता है, आइदर इट इज ऑफ डिस्क्रीट नेचर और इट इज ऑफ द कंटिन्यूअस नेचर. सो दीज आर द सम ऑफ द लेक्चर्स जो हमने प्रीवियसली डिस्कस्ड किए थे. Now in today's lecture we discuss about the probability distribution of the discrete random variable. Now let's understand ki what do you mean by the probability distribution. Dekhiye kya hota hai ki you all know ki x agar ek random variable hai, suppose agar ye countable values assume kar raha hai. Countable values matlab jaise 1 2 3 4, for example agar aap number of students bol rahe hain, ठीक है, इन अ क्लास, या फिर अगर आप बोल रहे हैं नंबर ऑफ कार्स इन अ पार्किंग लॉट, या नंबर ऑफ हेड्स ऑब्टेन्ड इन द टॉसिंग ऑफ अ कॉइन. तो अब ये सब क्या है, ये सब काउंटेबल है, ठीक है, जिसको आप एक सीक्वेंस में अरेंज कर पा रहे हैं. तो जब आपका ऐसा काउंटेबल नंबर ऑफ वैल्यूज होता है जिसे आप एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल बोलते हैं, वो ऑल नो कि एक्स अगर एक रैंडम वेरिएबल है, सपोज अगर ये काउंटेबल वैल्यूज अज्यूम कर रहा है. Countable values मतलब जैसे 1, 2, 3, 4, for example अगर आप number of students बोल रहे हैं, ठीक है, in a class, या फिर अगर आप बोल रहे हैं number of cars in a parking lot, या number of heads obtained in the tossing of a coin. तो अब ये सब क्या है, ये सब countable है, ठीक है, जिसको आप एक sequence में arrange कर पा रहे हैं. तो जब आपका ऐसा countable number of values होता है जिसे आप एक discrete random variable बोलते हैं, अब आपने क्या किया, एक set बनाया. मतलब कि जब इस रैंडम वेरिएबल के कॉरेस्पॉन्डिंग आपने जब एक प्रोबेबिलिटी डिफाइन कर दी, जैसे p ऑफ x1, या लेट्स से यहां मैं लिखती हूँ p1, इसके लिए p2, फॉर दिस p3, एंड सो ऑन. तो बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, आप यहाँ पे हर रैंडम वेरिएबल के कॉरेस्पॉन्डिंग आप प्रोबेबिलिटी डिफाइन कर रहे हैं, है ना. तो इस ये जो पूरा एक टेबल बनता है इसको हम बोलते हैं डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन या प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन. एक बार फिर से समझिए, फॉर एग्जांपल सपोज आपने कॉइन का एग्जांपल लिया, और कॉइन को जब आप टॉस करते हैं ट्वाइस, दो बार टॉस करते हैं, तो ये आपका सैंपल स्पेस होता है. अब एक्स आपका है नंबर ऑफ टेल्स, तो टेल्स क्या हो सकते हैं, या तो जीरो हो सकते हैं, वन हो सकते हैं, या फिर टू हो सकते हैं. तो अभी आपको पीक नेचर है. अब इसके हर पॉइंट पर, इसके हर पॉइंट पर अगर मैं हम प्रोबेबिलिटी डिफाइन कर देते हैं, जैसे जब आपका टेल जीरो था, जीरो टेल मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 1/4 हो गई. जब टेल वन था तो क्या हो गई, 2/4 हो गई. जब टेल नंबर ऑफ टेल्स टू था तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 1/4. तो ये जो आपने टेबल बनाया है, ये जो आपने डिस्ट्रीब्यूशन बनाया है, जहां पे आपने इस डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल को डिफाइन करा है अलोंग विद देयर कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज, तो इस एंटायर सेट को जो हम रेफर करते हैं उसे हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन. इन शॉर्ट हम इसे बोलते हैं PMF, या फिर डिस्क्रीट probability distribution. Yes? So let's, अभी जो हमने इसको समझा है, इसको हम let's understand in terms of a theory. क्या है? X का nature सबसे पहले तो कैसा होना चाहिए? Discrete random variable होना चाहिए. अब obviously अगर discrete है तो कैसी values assume करेगा? Countable values assume करेगा. क्या करेगा? X1, X2, Xn. अब इन सारे countable values के corresponding आपने probabilities define कर दी, px1, px2, pxn. तो आपके पास क्या हुआ, एक table बन गया, एक set बन गया, है ना. ये set देखो कैसे बना, set क्या, discrete random variable. और statistics में हम इसको क्या बोलते हैं, probability mass function. This is a very important term. देखिए इन शॉर्ट क्या होता है, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो वहां पे ऐसे लिखा होता है PMF. तो PMF जैसे ही वर्ड लिखा होगा तो आपको समझ जाना है कि आपके रैंडम वेरिएबल का नेचर कैसा है, डिस्क्रीट है. और डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए ये जो डिस्ट्रीब्यूशन डिफाइन है, दैट इज रेफर्ड एज योर
PMS, तो वो भी हम डिफाइन करने जा रहे हैं। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया। नाउ इट इज डिनोटेड बाय दिस, ठीक है। इसको हम कैसे डिनोट करते हैं? प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू एक्स आई पी ऑफ एक्स आई। लेकिन अब हमने क्या बोला कि ये जो है इसको हम PMF कब बोलेंगे? जब ये टू कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा, मतलब कि कोई भी प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, जैसे कि देखो यहाँ पे ये एग्जांपल हमने लिखा था। अब हम क्या बोल रहे हैं कि ये जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है आपके डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का, ये PMF कब बनेगा? नाउ ये PMF कब बनेगा? जब इसके हर पॉइंट पे आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी की रेंज क्या होती है, किसी भी इवेंट की आप प्रोबेबिलिटी कर रहे हो तो 0 to 1 होती है, मतलब नॉन नेगेटिव होनी चाहिए। तो आपने देखो सारी प्रोबेबिलिटीज नॉन नेगेटिव है। दूसरे इसकी कंडीशन क्या होती है कि व्हेन यू सम ऑल दीज प्रोबेबिलिटीज इट शुड बी इक्वल टू 1, ठीक है। तो आप जब इनको सम कर रहे हो सारी प्रोबेबिलिटीज को, तो 4/4 आ रहा है, मतलब 1 आ रहा है। तो ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, नॉन नेगेटिव है और सम भी 1 है। तो इसका मतलब ये जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन है इसको अब हम क्या बोलेंगे? PMF बोलेंगे, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन बोलेंगे। तो ये हमने थोड़ा सा स्पेसिफिक एक्सप्रेस कर दिया वैल्यूज ऑफ एक्स, x1, x2, x3, ये सब डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल हैं और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपने प्रोबेबिलिटीज डिफाइन कर दिया। तो इस एंटायर टेबल या एंटायर सेट को हम बोलते हैं PMF। लेकिन ये PMF कब होगा? अगर आपको चेक करना है कि ये PMF कब होगा, या आपको वेरीफाई कराना है कि क्वेश्चन में कि PMF है भी सही या नहीं है, तो कैसे करोगे? कि प्रोबेबिलिटीज नॉन नेगेटिव होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होनी चाहिए, और इन सारी प्रोबेबिलिटीज का सम जो है इट शुड बी इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। नाउ स्टूडेंट्स, हियर आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन यू, देखिए इसका मैं नोटेशन थोड़ा सा अपन इसको देखेंगे। नाउ इन सम ऑफ द बुक्स, कुछ बुक्स में इसको ऐसा लिखा होता है, सम ऑफ द बुक्स में इसको ऐसा लिखा होता है। तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस नोटेशन कि इसका मतलब क्या होता है। देखिए ये जो कैपिटल एक्स है ये आपके रैंडम वेरिएबल को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो स्मॉल एक्स है वो वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। वैल्यू किसकी? वैल्यू आपके रैंडम वेरिएबल एक्स की वैल्यू, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल्स टू स्मॉल एक्स। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, आई हैव स्पेसिफाइड दिस टर्म, सो आई हैव स्पेसिफाइड ओवर हियर कि नोटेशंस में कई बार, सो यू डोंट हैव टू गेट कन्फ्यूज ओवर दिस। यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है कि ये जो कैपिटल एक्स है, मतलब ये जो रैंडम वेरिएबल है, ये कौन सी रियल वैल्यू अज्यूम कर रहा है, दैट इज इक्वल्स टू स्मॉल एक्स। अब इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। अब इसको इन शॉर्ट हम क्या लिख देते हैं? स्मॉल ऑफ पी एक्स लिख देते हैं। अब जैसे सपोज ये है प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल्स टू 2 है, तो इसका मतलब एक रैंडम वेरिएबल एक्स था, वो कौन सी वैल्यू अज्यूम कर रहा है? अभी 2 वैल्यू अज्यूम कर रहा है। तो इसका नोटेशन या तो आप ऐसे लिख दो, इसका मतलब भी यही है, और समटाइम्स इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। सो ये जो हम लिख रहे थे ना नोटेशन, इसको आप ऐसे लिख सकते हो। इसका मतलब क्या है कि प्रोबेबिलिटीज आप डिफाइन कर रहे हो, किसकी प्रोबेबिलिटी है? रैंडम वेरिएबल एक्स की है। कौन से पॉइंट पर है? 2 पॉइंट पर है। तो आइदर इन दिस वे और इन दिस वे और इन दिस वे, तो ये सब एक ही को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दैट्स व्हाई इन द टेबल इफ यू कैन सी आई हैव स्पेसिफाइड इन दिस मैनर कि एक्स एक रैंडम वेरिएबल है, हियर यू आर डिफाइनिंग द प्रोबेबिलिटी एट सम रियल पॉइंट दैट इज इक्वल्स टू स्मॉल एक्स, एंड वी कैन ऑल्सो एक्सप्रेस इन अ शॉर्ट हैंड नोटेशन इन दिस वे। स्मॉल ऑफ पी एक्स से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। नाउ अभी जो हमने समझा है ना कि डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन या PMF क्या होता है, ये जो आपने एंटायर थ्योरी यहाँ पे ये सब पढ़ा है, इसको हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे या अंडरस्टैंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ द क्वेश्चंस। देखो कई बार क्या होता है कि जो थ्योरी है उसको समझने के लिए हम उसी कॉन्सेप्ट को जब इम्प्लीमेंट करते हैं क्वेश्चंस पे, तो ईजिली हमें याद हो जाती है। सो देखिए अभी क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर आर द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ सबसे पहले यहाँ पे इसने कहीं कोई स्पेसिफाई नहीं किया है कि ये PMF है या डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है या कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहला क्वेश्चन, हाउ टू आइडेंटिफाई। सी
इन क्वेश्चन में देखिए, आपका x एक रैंडम वेरिएबल है, अब ये कितनी वैल्यूज अज्यूम कर रहा है, 0, 1, 2 मतलब काउंटेबल वैल्यूज है जिसको आप सीक्वेंस में एक्सप्रेस कर सकते हैं. तो जस्ट ऑन एन आइडेंटिफिकेशन, ऑन योर ऑब्जर्वेशन, मतलब आप देखकर पहचान सकते हैं कि आपके रैंडम वेरिएबल का नेचर कैसा है. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं इन दिस क्वेश्चन एज वेल एज इन दिस क्वेश्चन कि काउंटेबल वैल्यूज हैं, सीक्वेंस में अरेंज हैं, तो दैट मीन्स आपका ये PMF है. PMF है या नहीं ये हमें चेक करना है, बट हमें यहाँ से ये क्लियर हो गया कि x जो है वो आपका एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल. नाउ मूव ऑन टू द सेकेंड पॉइंट. ये कहता है कि बताओ ये जो क्वेश्चन आपके सामने है कि ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है भी सही या नहीं है. तो हम क्विकली चेक करते हैं. नाउ सी, पहली कंडीशन क्या होती है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है भी सही या नहीं है. तो हम क्विकली चेक करते हैं. नाउ सी, पहली कंडीशन क्या होती है, अगर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है डिस्क्रीट नेचर का, तो ऑल द प्रोबेबिलिटीज मस्ट बी नॉन नेगेटिव. नाउ जस्ट फाइंड इट आउट ओवर हियर कि यहाँ पे सेकेंड वाली जो प्रोबेबिलिटी है जो वन पॉइंट पे डिफाइन है, और आई कैन राइट इट आउट इन दिस वे, एक्स इक्वल्स टू वन, वो कितना आ रहा है, माइनस हाफ आ रहा है ना, नेगेटिव आ रहा है. दैट मीन्स इट इज अ नेगेटिव, नॉन नेगेटिव नहीं है ये. तो इसका मतलब दिस इज नॉट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि पहली कंडीशन फेल हो गई. सेकेंड क्वेश्चन पे आइए. सेकेंड क्वेश्चन में देखिए, क्या सारी प्रोबेबिलिटीज ग्रेटर देन जीरो है, कैसा होना चाहिए, नॉन नेगेटिव. तो यस, दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव, दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव, दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव. तो आपकी जो पहली कंडीशन है वो क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो गया. सेकेंड क्राइटेरिया क्या है आपका, कि इनका जो सम है दैट शुड बी इक्वल्स टू वन. तो समेशन ऑफ पी एक्स चेकआउट करिए कि वन है कि नहीं. यस इट इज वन, हाफ प्लस हाफ इज वन. तो इसका मतलब ये जो क्वेश्चन है ये आपका PMF है. तो यस, दिस इज अ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन. नाउ वी मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन जो हमें वेरीफाई करना है. तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट क्राइटेरिया क्या था, सारी प्रोबेबिलिटीज को नॉन नेगेटिव होना है. तो यस, इट इज सेटिस्फाइंग द कंडीशन, सारी प्रोबेबिलिटीज आपकी नॉन नेगेटिव है. फिर क्या है, इनका सम वन होना चाहिए. तो अभी हम सम करके देख लेते हैं, 3, 4 and 5. तो ये हो गया आपका 5/8 प्लस 1/4, तो कितना आ रहा है, 7/8 आ रहा है. एंड ऑब्वियसली ये लेस देन वन है, मतलब इट इज नॉट इक्वल्स टू वन, सो इट इज नॉट द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन. तो देखो, क्वेश्चंस की हेल्प से हमने इजीली समझ लिया कि जब भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चेक करना है, दो कंडीशन, एच शुड बी नॉन नेगेटिव और इनका सम क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए. नाउ मूव ऑन टू सेकेंड क्वेश्चन. देखिए क्वेश्चन में क्या है, वैल्यूज दिया हुआ है, अगेन काउंटेबल है तो डिस्क्रीट हो गया, कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज है. नाउ इसने एक नया रैंडम वेरिएबल इंट्रोड्यूस करा है एज वाई, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, और ये कहता है ऑब्टेन द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाई. अब आपको समझ में आ गया कि एक्स का नेचर डिस्क्रीट है, तो ऑब्वियसली वाई की जब आप वैल्यूज कंप्यूट करेंगे, कैसे कंप्यूट करोगे, जब एक्स जीरो था तो वाई की वैल्यू यहाँ पे 0 + 0 रखोगे तो 0 हो जाएगा, जब एक्स 1 था यहाँ पे 1 रखेंगे तो इट विल गिव यू द वैल्यू 3, देन वेन एक्स इज 2 इट विल गिव यू द वैल्यू 8, एंड वेन एक्स इज 3 जब वैन यू सब्सटीट्यूट ओवर हियर इट विल गिव यू द वैल्यू 15. तो ये तो हमने वैल्यूज निकाला, एक्स 0 था, जब प्रोबेबिलिटी एक्स 0 था तो वाई की वैल्यू क्या थी, 0 थी, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे. और क्वेश्चन में 0 पे क्या दिया हुआ है, 1/10 गिवन है. फिर जब एक्स 2 था तो वाई की वैल्यू क्या थी, जब एक्स 1 था तो वाई की वैल्यू क्या थी, 3 थी. तो प्रोबेबिलिटी एट एक्स इक्वल्स टू 1 इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी एज वाई इक्वल्स टू 3, एंड इन द क्वेश्चन इट इज गिवन एज 3/10. एंड सिमिलरली व्हेन एक्स इज 2 देन वाई इज 8, एंड क्वेश्चन में एक्स इज 2 पे प्रोबेबिलिटी क्या गिवन है, हाफ. एंड सिमिलरली फॉर एक्स इज इक्वल्स टू 3 वाई इज इक्वल्स टू 15 1/10. तो एंटायर टेबल हमारे पास क्या आया, ये हमारे पास एंटायर टेबल आया. अब आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो कि सारी प्रोबेबिलिटीज पॉजिटिव हैं. अगर आप इनका सम करोगे, देखो सम करो, 3, 4 and 5, 5/10 प्लस हाफ, तो कितना आ गया, 1 आ गया. तो ये जो एंटायर आपका ये था क्वेश्चन, ये आपका PMF आ गया, कौन से वाले रैंडम वेरिएबल का आ गया, y का आ गया. सो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन समझा, उनकी कंडीशन समझी जिसको हम PMF बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन बोलते हैं, एंड वी हैव इम्प्लीमेंटेड दैट कॉन्सेप्ट ऑन द टू क्वेश्चंस.
ठीक है। अब नेक्स्ट मेरा जो अपकमिंग लेक्चर होगा उसमें हम एक एडवांस लेवल पढ़ेंगे, थोड़ा सा हम एक लेवल इंक्रीज करेंगे एंड वी विल सॉल्व सम ऑफ द क्वेश्चंस। और एक्स जीरो था जब प्रोबेबिलिटी एक्स जीरो था तो वाई की वैल्यू क्या थी, जीरो थी, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। और क्वेश्चन में जीरो पे क्या दिया हुआ है, 1/10 गिवन है। फिर जब एक्स टू था तो वाई की वैल्यू क्या थी, आई एम सॉरी, जब एक्स वन था तो वाई की वैल्यू क्या थी, थ्री थी। तो प्रोबेबिलिटी एट एक्स इक्वल्स टू वन इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी एज वाई इक्वल्स टू थ्री एंड इन द क्वेश्चन इट इज गिवन एज 3/10। एंड सिमिलरली व्हेन एक्स इज टू देन वाई इज 8 एंड क्वेश्चन में एक्स इज टू पे प्रोबेबिलिटी क्या गिवन है, हाफ। एंड सिमिलरली फॉर एक्स इज इक्वल्स टू 3 वाई इज इक्वल्स टू 15 1/10। एंटायर टेबल हमारे पास क्या आया, ये हमारे पास एंटायर टेबल आया। अब आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो कि सारी प्रोबेबिलिटीज पॉजिटिव हैं। अगर आप इनका सम करोगे, देखो सम करो 3, 4 एंड 5, 5/10 प्लस हाफ तो कितना आ गया, 1 आ गया। तो ये जो एंटायर आपका ये था क्वेश्चन, ये आपका PMF आ गया, कौन से वाले रैंडम वेरिएबल का आ गया, y का आ गया। सो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन समझा, उनकी कंडीशन समझी जिसको हम PMF बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन बोलते हैं, एंड वी हैव इम्प्लीमेंटेड दैट कॉन्सेप्ट ऑन द टू क्वेश्चंस। ठीक है, अब नेक्स्ट मेरा जो अपकमिंग लेक्चर होगा उसमें हम एक एडवांस लेवल पढ़ेंगे, थोड़ा सा हम एक लेवल इंक्रीज करेंगे एंड वी सॉल्व सम ऑफ द क्वेश्चंस ऑन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द अपकमिंग लेक्चर। सो थैंक यू सो मच।